नमस्कार दोस्तों, आज मैं करण आहूजा वन रोज प्रेडिक्शन की तरफ से एक नया शो लेकर आया हूं जिसका नाम है गपशप विद इंदु। इंदु आज हमारे साथ है इस शो को होस्ट करने के लिए। तो ये शो बहुत ही अच्छा जाने वाला है और अमृतसर में इस तरह का पहला शो है। तो आइए माइक इंदु को देते हैं और इस शो का आगाज करते हैं। थैंक यू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ इंदु एंड होप सो कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हमने अपना एक शो शुरू किया है गपशप विद इंदु, जिसमें हम आपसे बातें करेंगे, आपसे गपशप करेंगे। अभी नवरात्रि चल रही है तो हम नवरात्रि की बातें करेंगे और रामलीला भी है तो हम वो भी साथ में ही करेंगे। एंड होप सो कि आपका सपोर्ट रहेगा हमें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं हूँ इंदु और हम आपके लिए लाए हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर एक बेहतरीन शो गपशप विद इंदु। इस शो में हम आपके साथ बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बहुत सी बातें होंगी। और हम अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रि की शुरुआत ना हुई है आज, और आज ही हम अपना शो शुरू कर रहे हैं गपशप विद इंदु। और माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए हम आए थे मॉडल टाउन मंदिर, लाल माता जी का मंदिर है। और इस मंदिर में क्या है, क्या खासियत है इसके, और नवरात्रि के बारे में हम क्वेश्चनिंग करेंगे अमृतसर की पब्लिक से। तो चले अमृतसर की पब्लिक से बातें करते हैं, हम गपशप मारते हैं। इनके नाम से जा रहे दर्शन करने के लिए आए, सभी संगत मिल रही है तो हमें उनके दर्शन पा रहे। कहाँ से आए आप दर्शन करने? अम्बर खर्चो राम तीर्थ से। राम तीर्थ भी बहुत बढ़िया मंदिर है ना। यहाँ पे आप घूमने आए, दर्शन करने आए? दर्शन करने आए। तो नवरात्रि से आप मुझे बताएं कि नवरात्रि स्पेशल फूड होता है जो नवरात्रि के व्रत में बनाया जाता है, आप मुझे बताएं आपने कभी व्रत रखा है? मैंने। आपको पता है वो जो खाना बनता है नवरात्रि पे वो कैसे बनता है या क्या क्या बनता है? आलू बनते हैं, खीर बनते हैं, चीनी पोटा, व्रत का पूरा ही खाना होता है, बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है। सही है। और ये बहुत प्यारी सी कंजक है, ये भी माता जी के दर्शन करने आई है। क्या नाम है इसका? सुनायरा। आपका क्या नाम? मेरा नाम गीता, मैं इसकी नानी हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहा। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी अब इस एज में कोई ऐसी फ्रेंड जिसको आप कंजक भेजना चाहो, कंजक भेजना चाहो, कंजक देना चाहो, जो अभी भी इतनी एज में भी, आपकी एज में भी हम बच्चों की जैसे हरकतें करते हैं, आपको लगे कि हाँ भाई इनको भी कंजक दे दें? आपको मेरे को आप बड़े अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, मुझे दे देना कंजक। थैंक यू सो मच मैम। तो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं हमारे कॉन्टेक्ट में कि जो बहुत बच्चों की जैसे, जिनका बचपन कभी नहीं खत्म होता, तो आपके फ्रेंड जोन में फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है कि जिनका बचपन कभी खत्म नहीं होता? हाँ, देखो हमारी छोटी सिस्टर है जो, वो हमेशा ही ऐसे रहती जब छोटी बच्ची है। कंजक पे आप चाहोगे कि उसको कंजक दे दूंगा? आप किसको कंजक देना चाहोगे? सभी कंजक ही है, अभी कंजक अभी दे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच माता जी। तो नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पे भी एक भाई ने लंगर लगाया है, तो बात करते हैं इनसे। जय माता दी जी, की हाल चाल है? ठीक है बेटा, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, सेवा हो रही है, कद लंगर लाया है? ये सारे अज खिचड़ी, मैं तो रेगुलर लगता है बिना ना का व्रत वाले हैं। आप व्रत रखते हो? नौ दिन रखते हो? तकरीबन नौ दिन रखना ही पड़ता है, रखना है तो फिर पूरे रखो। आपकी कृपा शुक्र है, घर लेके दिया, इसलिए डेली सेवा करते हैं बिना ना का, ये सारे हमारा ग्रुप का सेवा। बाकी माता जी बहुत बढ़िया बात है कि आप सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सेवा मौका मिलता है सेवा करने का, के बिना नहीं हो सकती सेवा। शुक्र माता रानी ने तो हमें मौका दिया है। एज होगी 75-76 के करीब, फिर भी सेवा कहते हैं, डेली आते हैं 6:30 तकरीबन। शुक्र मैया की।
बाकी दही खा लो जो मर्जी बाकी अनाज नहीं मिल खाना माता जी ने सारी लाइफ नहीं अनाज खादा सारी लाइफ तकरीबन जो तक सुने इस करके माता जी कह भी नहीं रात खाना खाने बिलकुल लाल माता जी का मंदिर है मॉडल टाउन मंदिर ते एदी हिस्ट्री की है हिस्ट्री वैसे लिखी दी है काफी लंबी है पाकिस्तान तो आए थी 13-14 साल की एज थी ते उदो तो ही इन्होंने अनाज नहीं खादा इन्होंने माता चिंतपुर्णी जी की आंदी सी चौकी फिर इन्होंने नाम लाल देवी रखता सी उत्थों चिंतपुर्णी तो इतनी भगत जी ते उदो तो इन्हों का मंदिर बने इन्होंने चार पांच थावां ते दिल्ली भी है रोहिणी च हरिद्वार भी है फिर वृंदावन भी बनाया चिंतपुर्णी भी बनाया मंदिर माता जी के आश्रम बड़े बने दे हरिद्वार बहुत वधिया उत्थे 150-200 कमरे है रहन लई जेड़ा मर्जी आके रवे कोई गल नहीं एसी रूम तो नहीं बड़े वधिया थैंक यू सो मच सर ताडे नाल गल करके बहुत वधिया लगा है माता रानी ने बहुत मेहर की है ताडे ते की हाल चाल ने वधिया वधिया तुसी मैम साडा नवा शो आ रहा है गपशप विद हिंदू जी ते अज नवरात्रे बहुत शुभ दिन है इस दिन ते असी शुरुआत की है ते माता रानी दा आशीर्वाद लैन आए सी सोचे ताडे नाल गल करते माता रानी तुहानू पूरी शक्ति वर दे ते बहुत वधिया वधिया ताडा शो चले थैंक यू सो मच जी ते लंगर खाया जा रहा है हां जी ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਤੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹਦਾ ਬਚਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਲਦੀਨ ਜਿਹਦਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਜਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੰਜਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਪਸ਼ਪ ਵਿਦ ਇੰਦੂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਂ ਮਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਵਨ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗਪਸ਼ਪ ਵਿਦ ਇੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਜਾ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੂਰ ਔਰ ਬੜੇ ਦਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਰਾਤੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੀ ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸ਼ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾਂਗਾ ਦੋ ਅਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾਂਗਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੂਜਾ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤ ਪੂਜੇ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਰੇ ਤੇ
कैंसर करके मरीज भी अभी आके ठीक हो ना, तो माता जी का पिछड़ा पिछा पूजे महाद्वार लाल जी का हरिद्वार मंदिर है, वृंदावन मंदिर है और सारे मंदिर है, तो कोई कहने नहीं सिर्फ लंगर चलता है, वो माता जी का बाहर देता है, उधर माता जी का गुफारा मंदिर है, वो माता जी ने इस करके बुलाया थी जेड़ा आज गुफा वैष्णो देवी नहीं जा सकता उठे आज बुलाऊंगा। बोलो जय माता, जय माता दी, थैंक यू सो मच सर।